सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आती है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी न खो देना। आज का पंचांग 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:53 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 10:12 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:26 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की शुभकामनाएं। वृषभ राशि 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार, सामान्यतः आप काफी स्पष्ट सोच रखती हैं, लेकिन आज आप अपनी निजी समस्याओं और अपनी असुरक्षाओं से घिरे होने के कारण स्पष्ट नहीं सोच पाएंगी। इसीलिए आज के दिन किसी नए काम को साथ में लेने या नई साझेदारी के लिए उपयुक्त नहीं है। आपके आज के फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के कार्यक्रमों की योजना आज बनाना सही नहीं है। आज आराम करें। परिवार संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें तो क्रियान्वित करने में आसानी होगी। आज व्यस्त भरा दिनचर्या रह सकता है तथा कई तरह की गतिविधियों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। युवा अपनी क्षमता को सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण गतिविधियों में लगाएंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयत्न को सफलता मिलेगी, साथ में प्रशंसा भी हो सकती है। लोगों का विश्वास बढ़ने से नई जिम्मेदारियां मिलेगी, इस कारण व्यक्तित्व में सुधार होगा और आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने का मौका प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते समय अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा। जीवन में कई बदलाव नजर आएंगे, नई बातों को नकारात्मक तरीकों से ना लें। आपके प्रयत्नों की वजह से बड़ी समस्या सुलझ सकती है। रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकती है, पार्टनर की जरूरतों पर ध्यान देते रहें। सावधानियां, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें तथा व्यर्थ की बहसबाजी से खुद को दूर रखें। विशेषकर महिलाएं इस समय बहुत अधिक सावधान और सजग रहें। कई मामलों में धैर्य से काम लेने की जरूरत है। व्यक्तिगत मामलों को लेकर आप किसी धर्म संकट में भी फंस सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। अभी पिछले कुछ दिनों में एक दूसरे के लिए आपके प्यार की सभी भावनाएं व्यर्थ की बाधाओं और गलत फहमियों में उलझकर रह गई है। आज कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपके सारे संदेह मिट जाएंगे और एक दूसरे के लिए आपका सच्चा और गहरा प्यार तथा समर्पण खुलकर सबके सामने आ पाएगा। अपने पार्टनर की तारीफ करना ना भूलें। अपनी अंतर्मय की भावनाओं को रोमांटिक भाव गंभीरताओं से दिखाने का बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं करियर की। आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सी वस्तु या चीज में आप अपने आप से सर्वश्रेष्ठ कार्य ले सकती हैं। यह आपकी विचारधाराओं और रचनात्मकताओं को भी अद्वितीय अनुभूति देगा। हालांकि आपके वित्तीय पुरस्कार में विलंब होगा, फिर भी अपने वित्तीय संकट से खुद को बचाने के लिए आपके पास पर्याप्त आय है। बस आप अपनी वस्तु को संरक्षित करके रखें और आप आसानी से विषम स्थिति से बाहर आ जाएंगी। कामकाज में चल रही चुनौतियों से तनाव बढ़ सकता है, बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। बिजनेस में निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। सरकारी नौकरी में अधिकारियों के साथ सहनशीलता रखें। बात करते हैं सेहत की। आपके सर वीकेंड का जादू चढ़ा हुआ है, आप चलता के मूड में हैं। तनाव रहित महसूस करना अच्छी बात है,
लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। अति ना करें, आनंद ले परंतु यह भी ध्यान रखें कि आने वाला दिन आपके लिए काम के लिहाज से काफी अच्छा है, जिसमें आपको अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपका स्वस्थ रहना काफी आवश्यक है। आज का उपाय, आज आप घर में कपूर की आरती करें या तो कपूर जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।